वहीं बदायूं में डबल मर्डर को लेकर हमारे संवाददाता ने घटनास्थल का जायजा लिया और पड़ोसियों से बातचीत कर हत्या की वजहों को जानने की कोशिश की। तो आपको बता दें कि एक दिन पहले जिस तरह से दो मासूमों की हत्या की गई थी उसको लेकर के देखिए, मैं उस घटना स्थल पे हूँ। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पीछे का एरिया दिखाए, जिस तरह से साजिद की जो पीछे दुकान थी, साजिद की पीछे दुकान थी और जिस तरह से उसने जब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके जो है 20 मीटर की दूरी पर जो है संगीता ब्यूटी पार्लर, जो बच्चों की माँ थी वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और जिस तरह से दो बच्चों के कत्ल के बाद साजिद का एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, और जाबिद पर कल एसएसपी ने 25,000 का इनाम रखा था जिसे आज बरेली की बारादरी थाने से गिरफ्तार कर लिया गया है। बारादरी पुलिस ने जो है बदायूं पुलिस को उस सौंप दिया है, जिससे पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। हमारे साथ यहाँ इनके कुछ परिजन हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है और उसके बाद जो 25,000 का इनामी था, दूसरा आरोपी था, वो भी गिरफ्तार हो गया है। क्या क्या नाम है आपका, कैसे रिश्तेदार रखते थे? जिस तरह से देखिए, बदायूं पुलिस ने तत्काल में कुछ ही घंटों में एक आरोपी को ढेर कर दिया और दूसरे एक बार 25,000 का इनाम रखा था, जिसके बाद उस आरोपी को आज जो है बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहेंगे इस पर? और जो उसका दूसरा भाई जाबिद पकड़ा गया है उसके से खाली पूछताछ की जाए। वास्तव में ये उसने अपना गलत कार्य अपना मतलब जो है बच्चों की जो मतलब जो बच्चों को मारा है तो ये उसने क्यों किया, किसी कहने पर किया है या किसी मतलब उसकी कोई पुरानी परेशानी थी या कोई भी है उसके लिए मतलब जो है कड़ी से और सारी पूछताछ की जाए। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए पिता का एक बयान निकल करके सामने आया था कि कहीं ना कहीं देखिए एक आरोपी को जिस तरह से पुलिस ने ढेर कर दिया था तो दूसरे को जिंदा गिरफ्तार किया जाए और उससे ये जानकारी जुटाई जाए कि इसके पीछे का कारण क्या था। पिता के साथ साथ उनके जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इतने बड़े हत्याकांड के पीछे आखिर वजह क्या थी। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर।